यूं तो एसएसपी दफ्तरों में फरियादी तरह तरह की फरियाद लेकर पहुंचते हैं और पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हैं, मगर सोमवार को बुलंदशहर का एसएसपी दफ्तर शादी का मंडप बन गया। यहां शादी का झांसा देकर प्रेमी के द्वारा किए जा रहे यौन शोषण की शिकायत लेकर पहुंची पीड़िता न सिर्फ आरोपी प्रेमी के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंध गई, बल्कि इस दौरान बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह के द्वारा वर वधु पक्ष के लोगों को मिठाई भी खिलाई गई। दरअसल गुलावटी निवासी काजल स्याना निवासी गौरव की शिकायत लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंची थी। पीड़िता का आरोप था कि गौरव 3 साल पहले उसके संपर्क में आया था, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से जिस्मानी नजदीकियां भी बढ़ाई। तब से वो आरोपी के साथ प्रेम प्रसंग में है। वहीं 1 साल पहले आरोपी की यूपी पुलिस में नौकरी लगने के बाद आरोपी ड्यूटी के लिए औरैया चला गया और तभी से आरोपी ने पीड़िता से दूरी बढ़ा ली। क्या मामला हुआ, आप एसएसपी ऑफिस आई हैं? कौन किस पे? मेरे शादी के 3 साल से मेरे चक्कर उसके साथ चला, मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। 10 दिन से मुझे पागल बना रखा है कि आज शादी करूंगा। वो नहीं मानना इस बात को लेकर, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा सर के पास में। आज आप एसएसपी साहब के यहाँ आए हैं तो उन्होंने क्या शादी करवा रहे हैं, क्या क्या है? जी सर, उन्होंने शादी करने के लिए बोल दिया कि यहीं पे शादी कराई जाए इन दोनों की। अच्छा, शादी की तैयारी चल रही है यहाँ? जी। तो वही महिला सेल की प्रभारी ओमलता यादव ने बताया कि पीड़िता एसएसपी के सामने फरियाद लेकर पेश हुई थी, जिसके बाद एसएसपी की मौजूदगी में दोनों की शादी करवाई गई। बहन जी, एक प्रेमी और प्रेमिका आपके सामने समक्ष पेश हुई थी, उनकी शादी वादी का एक प्रोग्राम था, क्या क्या रहा उसमें, शादी हुई? उनका वाले 3 साल पहले से उनके शारीरिक संबंध रहे। लड़का का नाम है कांस्टेबल गौरव कुमार है, लड़की काजल है, उसकी तैनाती औरैया में। जो प्रकरण आया था इसमें ये था कि एसएसपी के यहाँ से इनकी शादी कराओ, यहाँ पे लाके उनकी शादी करा दी, माला वाला डलवा दी है जी। और जो उनका काफी मतभेद था वो बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, कोर्ट मैरिज की कहाँ क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया कोर्ट में होगी भैया। नहीं नहीं, अच्छा ये आपके सामने विवाद कब आया था? विवाद ये आज ही आया है, आज ही ठीक ऐसे है, करीब 3 बजे के समथिंग। अच्छा, हाँ जी। तो शादी करवा दी है? हाँ जी। किस तरह डलवा दी है? कहाँ पर डलवाई थी? महिला सेल एसएसपी का ऑफिस है, उसके सामने है महिला सेल। इसके बाद आगे की और क्या प्रक्रिया होगी जिसको पूरा किया जाएगा? इसकी प्रक्रिया तो कोर्ट मैरिज होगी, इसमें जो लड़की है जो और कागज वागज लगेंगे उसका कोर्ट में लगेगा। अच्छा, कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया भी आपने शुरू करवाई है? हाँ जी, वो तो कल हो जाएगी उसकी। अच्छा, शपथ पत्र वगैरह अभी बनवाया है, अभी लेके आ। जयमाला की रस्म के बाद प्रेमी युगल के कमजोर होकर टूट रहे रिश्ते के जन्मों जन्म की शादी के पवित्र बंधन में बंधने की खुशी में बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह के द्वारा मिठाई मंगाकर मौके पर मौजूद लोगों में वितरित की गई, जबकि शादी को कानूनी रूप देने के लिए शादी से जुड़े कागजात वकील के सुपुर्द कर दिए गए हैं, जिससे प्रेमी युगल कोर्ट मैरिज कर सके। पंजाब केसरी के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट।